क्या आप सही मास्क पहन रहे हैं? अगर आपको जानकारी नहीं है तो हम आपको बताते हैं कैसा मास्क पहनना चाहिए और मास्क पहनने या खरीदने से पहले जानकारी ले लेनी चाहिए कि क्या वो सही है या नहीं है, आपको सुरक्षित रख सकता है या नहीं। ये एक मास्क है जो 3 लेयर मास्क जिसे कहते हैं, इसके अंदर में 3 लेयर। अगर हम इसमें पानी डालते हैं तो क्या ये पानी नीचे की ओर जाता है या नहीं, यानी कि ये क्रॉस नहीं कर रहा है पानी। जाहिर है कि जो ड्रॉपलेट्स है वो इसके अंदर नहीं आ सकता है, या फिर जो अंदर से सांस छोड़े जाएंगे उसका असर भी सामने वाले पर नहीं पड़ेगा। तो ये तो पानी का हुआ कि पानी को आपने, पानी कहीं नहीं गया। अब हम आपको दिखाते हैं कि अगर इसे हम फाड़ देते हैं, इसको ये जैसे हमने फाड़ा, ये फाड़ने के बाद इसके अंदर जो 3 लेयर का सामान है, मटेरियल है, इस मटेरियल को अगर हम जलाएंगे तो ये नहीं जलेगा बल्कि ये पिघलेगा। यानी कि जो मटेरियल का इस्तेमाल किया जा रहा है वो बहुत ही सही मटेरियल है। जैसे ये आपका है, सिर्फ अगर हम इसको जलाने की कोशिश करेंगे तो नहीं जलेगा, ये जल नहीं रहा, देखिए आग नहीं निकल रहा, सिर्फ पिघल रहा है। ये है पानी का, अगर हम इसको फूंकना भी चाहेंगे अंदर से, जो हमने पहन रखा है, अगर ये अंदर से हम इसे हवा मारेंगे इसकी ओर, हवा फेंकेंगे, सांस फेंकेंगे या मुंह से हवा फेंकेंगे तो भी ये बुझेगा नहीं, बहुत तेज़ी से फूंकने के बाद भी नहीं। तो हम पहुंच गए हैं ऐसे ही एक फैक्ट्री में और हम आपको बिलवाएंगे, बताएंगे कि क्या प्रोसेस होता है। यूँ तो मास्क बड़े पैमाने पर बनाए जा रहे हैं, लेकिन हम आपको लेकर आए हैं बिहार के छपरा ज़िले में डुमरी बुजुर्ग के पास में। आप पूछेंगे कि आखिर यहाँ क्यों आए, यहाँ की एक ख़ास बात है जिसे जानने की ज़रूरत है। ख़ास तौर से जो मास्क N95 के बारे में कहा जा रहा था कि वो मास्क लोगों को कहीं से भी सुरक्षा नहीं दे रहा है, तो आखिर कौन सा मास्क सबसे ज़्यादा सुरक्षित है और कैसे मास्क पहनने चाहिए, इसके लिए हम आए हैं डुमरी बुजुर्ग के पास में। डॉक्टर सुनील कुमार सिंह हैं जो बिस्कोमान के चेयरमैन भी हैं और साथ ही अभी हाल ही में RGD के MLC भी बने हैं और कोषाध्यक्ष भी बनाए गए हैं। आप ये बताइए, ये फैक्ट्री आपने क्यों शुरू की और क्या आपके मन में आया? देखिए, जिस समय लॉकडाउन था और उसमें हम लोग गाँव में रहते थे, तो जो भी हम लोग बांटने के लिए मास्क मंगवाते थे उसमें 90% से ज़्यादा मास्क नकली आते थे, इसलिए कि कोई जानता नहीं था मास्क के बारे में और ना तो इंडिया में इतना प्रोडक्शन था। तो हम लोगों ने देखा कि क्यों नहीं हम इसको कहीं से इंपोर्ट करके तुरंत अविलंब यहाँ पर सही मास्क का उत्पादन करके लोगों को हम कम से कम इस वायरस को बढ़ने से बचाएं। इसी के क्रम में ये प्लांट बैठाया गया, इसमें कोई दूसरा काम करने के लिए प्लांट बनाया जा रहा था मेरे बेटे द्वारा, लेकिन हमने इस प्लांट को बैठाया और हमने देखा कि ये तत्कालिक ज़रूरत है, इसलिए क्यों नहीं हम बिहार, झारखंड, उड़ीसा का पहला प्लांट हम ऐसा बनाएं। तो हम लोगों ने क्या किया कि तुरंत एक प्लांट बनाया और देखिए ये मास्क निकल रहा है जिसमें मेल्ट ब्लॉन फैब्रिक यूज़ होता है। मास्क जो भी होता है 3 लेयर होता है, आप देखिए वहाँ पर 3 लेयर चल रहा है और विथ नोज पिन होता है, बिना नोज पिन का कोई भी मास्क सही नहीं होता, इसलिए कि अगर नोज पिन नहीं होगा तो अंदर से ड्रॉपलेट अंदर चला आता है, इसलिए नोज पिन होना आवश्यक है। 3 लेयर मास्क में भी जो मेल्ट ब्लॉन फैब्रिक होगा वही असली मास्क हुआ, अगर मेल्ट ब्लॉन फैब्रिक नहीं है अंदर में तो समझना है कि वो मास्क सही नहीं है। साथ ही साथ इसमें रबर यूज़ नहीं करना है। अभी देखिएगा यहाँ एक ऑटोमेटिक मशीन है जो टोटल ऑटोमेटिक मशीन से यहाँ पर लूप लगाए जा रहे हैं, हाथ का यहाँ कोई काम नहीं है, सारे ऑटोमेटिक सिस्टम से यहाँ चलते रहते हैं। और जो अभी आपने बताया है कि N95 क्यों रोका गया, उसका रीज़न क्या है, तो वो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। और सबसे बड़ी खासियत है कि ग्रामीण इलाके के लगभग 25 लड़कियाँ यहाँ पे काम करती हैं। इसके अतिरिक्त देखिए N95 में ये 5 लेयर उपयोग होता है, इसमें जो होता है 1 लेयर ये होता है मेल्ट ब्लॉन, दूसरा होता है इसमें हॉट एयर कॉटन, तीसरा होता है जो नीचे चल रहा है वो है SSMS, 2 लेयर मतलब मेल्ट ब्लॉन हुआ, 1 लेयर नॉन स्पून बॉन्ड हुआ, तब ये तैयार होता है विथ नो स्पिन। और इसकी जो तैयारी होती है ये बनने के बाद आपको इस तरह का नज़र आएगा। इसके बाद भी प्रोसेस है, ये बन के निकला
इसके बाद ये प्रोसेस है कि इसके बनते के साथ इसको फिर दूसरी जो लड़कियां वहां काम कर रही हैं इसको फिर इसमें लूप लगाएंगे। लूप लगाने के बाद फिर एक प्रोसेस है और कब इसको किया जाता है। और मैं देखिए मैं आपको असली बताता हूँ, जो असली मास्क होगा उसमें पानी लीक नहीं होना चाहिए। अगर पानी लीक कर गया तो वो असली मास्क नहीं हुआ। देखिए अगर आप 12 घंटा भी रखेंगे तो इसमें पानी लीक नहीं कर सकता। दूसरा, अगर इसको फाड़ दें तो 3 लेयर होना चाहिए। 3 लेयर, देखिए एक लेयर ये हो गया, दूसरा मेल्ट ब्लॉन्ड और तीसरा फिर स्पून बॉन्ड। और ये जो कोई साधारण ये कागज़ की तरफ फटने वाला साधारण कपड़ा नहीं है, इसको जब आप मोमबत्ती से चेक करेंगे तो देखिए इसमें मोमबत्ती की तरह ये मेल्ट होगा। ये जलता नहीं है, मेल्ट होता है। देखिए मोमबत्ती की तरह ये मेल्ट होगा। यही हुआ असली मेल्ट ब्लॉन्ड। और अगर हम मास्क पहने हैं तो ये आप फूंक के इसको नहीं बुता सकते। आप भी बुता कर देखिए, आपने भी मेल्ट ब्लॉन्ड पहना है। कसकर फूकिए। और जो मार्केट में जो जीविका दीदी बना रही हैं, पहला तो 3 लेयर नहीं हो सकता, हाथ सैनिटाइज नहीं हो सकता, खुद सैनिटाइज नहीं हो सकते, जिस जगह पर बनाया जा रहा है वो सही जगह नहीं हो सकता, वो गंदा होगा। तो मेरा ये कहना है कि पहले उन लोगों को ट्रेनिंग दिया जाए, तब उसके हाथों का बनाया हुआ मास्क लिया जाए। तो क्या आप तैयार हैं जीविका दीदी को ट्रेनिंग देने के लिए या अपने लोगों के जरिए दिलवाने के लिए? ये लोग भी तो जीविका दीदी के अंग हैं। जितने लड़कियां हैं पढ़ी लिखी हैं लेकिन इन लोग को जॉब नहीं मिलता है गाँव में, तो हम लोगों ने सारी लड़कियों को जॉब दिया है और जो जॉब दिया है और पूरी तरह ट्रेंड है। साउथ इंडियन आए हुए हैं चेन्नई के, ये सबको ट्रेनिंग देते हैं। और देखिए ऑटोमेटिक बनेगा, ऑटोमेटिक टोटल सामान इसमें। ये आप कब से बना रही हैं? अभी मुझे 10 दिन हुए आए हुए। अच्छा, तो आपको क्या लगा इसमें, क्यों काम करने के लिए आई? यहाँ पे आए, अभी घर पे लॉकडाउन है, रोजगार नहीं है, तो यहाँ पे सर बोले आओ ऑफिस, ऑफर मिला तो हम लोग आए बनाने के लिए। तो मतलब लॉकडाउन के दरमियान में आपको अब जॉब मिल रहा है, काम कर रही है, पैसे भी मिल रहे हैं, आपको लग रहा है कि लॉकडाउन में इस तरह के काम अगर मिलेंगे तो ठीक रहेगा? हाँ अच्छा है, हम लोग सेफ्टी भी रहेगा, सेफ्टी से भी यहाँ पे काम होता है। ये क्या है, ये कैसे क्या बच्चे? ये मास्क का मशीन है, 3 लेयर मास्क का। यहाँ पे बस ये मास्क लूपिंग, जो इधर उधर मास्क हो जाता है उसको सही करना रहता है बस, और कुछ नहीं इसमें है। बिल्कुल यहाँ आके ही हमें ट्रेनिंग मिला है अच्छे से, 1-1.5 महीने हो गए। क्या बहुत अच्छा लगता है, गांव में है, नज़दीक में है और अच्छा है हम लोग के लिए, गांव में रोज़गार मिल गया हमें और अच्छी बात है। ये लड़कियां हैं जिन्हें काम मिल गया है, आजकल वर्क फ्रॉम होम चल रहा है तो जाहिर है कि गांव से ही निकलकर लड़कियां गांव के ही अंदर में जो इस तरह के फैक्ट्री बन गए हैं मास्क लगाने के, उसमें आराम से काम कर रही हैं, पैसे भी कमा रही हैं और लॉकडाउन में जो सेफ्टी है, जो सुरक्षा के उपाय हैं उनका भी पालन कर रही है। हमारे सहयोगी शरद के साथ प्रकाश कुमार, एबीपी न्यूज़, छपरा। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।